हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 7 जुलाई। तो 7 जुलाई से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को छोड़ने का फैसला किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को छोड़ने का फैसला किया गया है? तो उसका नाम है सिना बीबो। सिना बीबो माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा छोड़ने का फैसला किया गया है, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट का इस्तेमाल करते थे, जिसे अब छोड़ने का फैसला किया है। यह वेबसाइट ट्विटर जैसे एक सोशल मीडिया साइट है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने पहनने योग्य पेंडेंट का आविष्कार किया है? तो किसके द्वारा पहनने योग्य पेंडेंट का आविष्कार किया गया है? तो यह किया गया है नासा द्वारा। नासा द्वारा पहनने योग्य पेंडेंट का आविष्कार किया गया है, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं क्या है। नासा ने एक ऐसा पेंडेंट का आविष्कार किया है जो गले के ऊपर हाथ ले जाने से वाइब्रेट करने लगता है। यह चेहरे को हाथों द्वारा छूने से रोकता है, इससे वायरस की रोकथाम होगी। नासा की स्थापना 1998 में हुई। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस वर्ष के एशियन कप फुटबॉल की मेजबानी की दावेदारी की है? तो किस वर्ष के एशियन कप फुटबॉल की मेजबानी की दावेदारी भारत द्वारा की गई है? तो 2027 के एशियन कप फुटबॉल की मेजबानी की दावेदारी भारत द्वारा की गई है, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। भारत ने एशियन कप 2027 फुटबॉल की मेजबानी के लिए दावेदारी की है। एशियाई फुटबॉल महासंघ ने बताया कि भारत समेत 5 देश मेजबानी की दौड़ में हैं। भारत के अलावा ईरान, कतर, सऊदी अरब और उज्बेकिस्तान भी मेजबानी का दावा पेश कर चुके हैं। AFC ने एक बयान में कहा, AFC अब सभी दावेदार संघों के साथ काम करेगी। तमाम पहलुओं की समीक्षा के बाद AFC एशियन कप के 19वें संस्करण के मेजबान का ऐलान 2021 में करेगी। तो कब करेगी इसका ऐलान कि एशियन कप जो 2027 का होना है वो कौन से देश में होगा? तो ये 2021 में AFC द्वारा इसका ऐलान किया जाएगा। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। इसका मुख्यालय मतलब AFC का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। अध्यक्ष हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। नेक्स्ट, हाल ही में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 से? तो यह सम्मानित किया गया है कृतिका पांडे को। कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। भारत में झारखंड की कृतिका पांडे को राष्ट्रमंडल 2020 कॉमनवेल्थ का लघु कथा सम्मान दिया गया। 29 वर्षीय कृतिका को यह सम्मान द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स कहानी के लिए मिला है। कृतिका को एक ऑनलाइन कार्यक्रम में इस सम्मान से नवाजा गया। रांची निवासी कृतिका को एशिया रीजन के लिए यह सम्मान मिला है। उनकी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स 2 युवाओं की कहानी है जो समाज की सदियों पुरानी बंदिशों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। घृणा और पक्षपात के युग में कोई कैसे प्यार करता है, ये इस कहानी में बताया गया है। यह कृतिका पांडे जी की पिक्चर। नेक्स्ट,
किस राज्य ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका के नाम से एक अभियान चलाया है? तो किस राज्य द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया है? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया है, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। मध्य प्रदेश में इंतजार आपका अभियान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया। इस अभियान के द्वारा पर्यटकों को राज्य के पर्यटन स्थलों पर भ्रमण के लिए आकर्षित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड राज्य के विभिन्न धार्मिक, प्राकृतिक और पुरातात्विक पर्यटन स्थलों जैसे महाकालेश्वर, पचमढ़ी, कान्हा, बांधवगढ़, अमरकंटक और अन्य पर्यटन स्थलों पर मानसून के मौसम के दौरान पर्यटकों को आमंत्रित कर रहा है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम में सभी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा सभी तैयारियां की गई हैं। अब और क्या डिटेल्स हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई, तो वो हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं लालजी टंडन, राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इसमें अभी एक बात ये याद रखना है कि हाल ही में आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसको दिया गया है अभी अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश के राज्यपाल का? आनंदीबेन पटेल को। नेक्स्ट, हाल ही में धम्म चक्र दिवस 2020 कब मनाया गया? तो धम्म चक्र दिवस 2020 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को धम्म चक्र दिवस 2020 मनाया गया, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब धम्म चक्र दिवस से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम जान लेते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के साथ साझेदारी में सांस्कृतिक मंत्रालय 4 जुलाई 2020 को आषाढ़ पूर्णिमा पर धम्म चक्र दिवस के लिए समारोह का आयोजन किया गया। इस दिवस के लिए राष्ट्रपति भवन में समारोह का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश के सारनाथ जिले में मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश के सारनाथ जिले में। यह भगवान बुद्ध के पहले जो 5 शिष्य थे उनके उपदेशों को चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। भगवान बुद्ध को बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। अब और भी कुछ डिटेल हैं इससे जुड़ी हुई तो वो हम जान लेते हैं क्या है। हर साल जुलाई के महीने में पहली पूर्णिमा के दिन धम्म चक्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। जुलाई के पहले पूर्णिमा के दिन को भारत में आषाढ़ पूर्णिमा, श्रीलंका में ऐसाला पोया और थाईलैंड में असना बुचा कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा या बैसाख के बाद धम्म चक्र दिवस बौद्ध धर्म में दूसरा सबसे पवित्र दिन है। नेक्स्ट, दिल्ली के उपराज्यपाल ने किस जगह में 10,000 बिस्तर वाले सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया है? तो किस जगह पर दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा 10,000 बिस्तर वाले सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है छतरपुर में। छतरपुर में दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा 10,000 बिस्तर वाले सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया गया है, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने छतरपुर में 10,000 बिस्तर वाले सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया। छतरपुर के राधा स्वामी सत्संग व्यास परिवार में स्थित यह कोविड देखभाल केंद्र दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा केंद्र है। यह केंद्र 1,700 फुट लंबा और 700 फुट चौड़ा है। यह केंद्र मामूली या बिना लक्षण वाले कोरोना वायरस के मरीजों के लिए है। नेक्स्ट, किस राज्य ने सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल का संचालन रिकॉर्ड 12 दिन में बनकर तैयार हो गया है? तो किस राज्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल का संचालन रिकॉर्ड 12 दिन में बनकर तैयार हो गया है? तो वह राज्य है दिल्ली। दिल्ली में इसका जो रिकॉर्ड है वो 12 दिन में बनकर तैयार हो गया है इस अस्पताल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। 250 ICU बिस्तरों के साथ 1,000 बिस्तर वाला
यह अस्पताल शुरू हो गया है। इस अस्पताल का निर्माण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सशस्त्र बल, टाटा संस तथा अन्य निजी भागीदारियों के साथ मिलकर 12 दिन में किया है। DRDO को अस्पताल स्थापित करने को कहा गया था, उसने युद्ध स्तर पर काम करते हुए यह अस्पताल तैयार किया और चालू कर दिया। भारतीय वायुसेना की अनुमति से नई दिल्ली घरेलू हवाई अड्डा T1 के नज़दीक भूमि की पहचान की गई और 23 जून को अस्पताल बनाना शुरू कर दिया गया। इसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका रहा है, तो यह रहा है सशस्त्र बल का। तो हम सशस्त्र बल के बारे में जानते हैं क्या है डिटेल उससे जुड़ी हुई। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ये भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र बलों में से एक है। क्या है ये? भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र बलों में से एक है। इसे 24 अक्टूबर 1965 को CRPF अधिनियम के तहत बनाया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ITBP का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, टिकटॉक जैसा शॉर्ट वीडियो फीचर रील्स का ट्रायल किसने लॉन्च किया था? तो किसने लॉन्च किया था टिकटॉक जैसा शॉर्ट वीडियो फीचर रील्स का ट्रायल? तो यह किया गया था इंस्टाग्राम द्वारा। इंस्टाग्राम द्वारा टिकटॉक जैसा शॉर्ट वीडियो फीचर रील्स का ट्रायल लॉन्च किया गया था। मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं क्या है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने पिछले साल नवंबर में रील्स नाम से एक नए फीचर का ट्रायल लॉन्च किया था। इस फीचर के जरिए यूज़र टिकटॉक की तरह शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं। अब इंस्टाग्राम इस फीचर को भारत में लाने की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट, नीमू नामक स्थान जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस नदी के किनारे स्थित है? तो नीमू किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे स्थित है नीमू। मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं क्या हैं। नीमू केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित एक छोटा सा गांव है। यह जास्कर रेंज से घिरा हुआ है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान को हाल ही में समाचारों में देखा गया था क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सैनिकों के साथ बातचीत करने के लिए नीमू की यात्रा की थी। नीमू भारतीय सेना का रिजर्व ब्रिगेड मुख्यालय है जो कारगिल के पास 11,000 फीट पर स्थित है। सीमा सड़क संगठन जास्कर घाटी के नीमू में पदुम से एक सड़क का निर्माण कर रहा है। इसकी ऊंचाई 7,672 मीटर है। लद्दाख में 857 वर्ग किलोमीटर लंबी सीमा में से केवल 368 वर्ग किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और शेष 489 वर्ग किलोमीटर वास्तविक नियंत्रण रेखा है। तो वास्तविक नियंत्रण रेखा कितनी है? 489 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।